अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयब फ्रॉम खरीदारी.पीके और आज जो मैं प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ वो है एयरपॉड्स 2 विद वायरलेस केस। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है, किस तरह ये एयरपॉड 1 से डिफरेंट है। और बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि एयरपॉड 1 और एयरपॉड 2 में क्या डिफरेंस है, तो आज हम उसी की डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिए ताकि आपको इसके सारे फीचर्स का पता चल जाए। पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग करें, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे टिक करें ताकि हम जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट रिव्यू करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहले हम इसके बॉक्स की तरफ आते हैं। बॉक्स पे मेंशन है एयरपॉड्स विद वायरलेस केस, जबकि नॉर्मल अगर आप एयरपॉड्स 2 लेंगे तो उसके बॉक्स पे कुछ भी नहीं लिखा आएगा, सिर्फ एयरपॉड्स लिखा हुआ आएगा। इसका यहाँ से पता लगता है, यहाँ पे लिखा होता है विद वायरलेस चार्जिंग केस और इसका इस साइड पे इसका सीरियल नंबर वगैरह लिखा होता है। आइए हम इसके बॉक्स को खोल के देखते हैं कि इसमें से हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले जो चीज़ हमें मिलती है वो ये कुछ यूज़र गाइड्स हैं जो कि टिपिकली हर चीज़ में से निकलती हैं। उसके बाद इसमें ये एयरपॉड्स हैं, इनको आइए हम खोल के देखते हैं कि ये कैसे हैं। तो ये हैं इसके एयरपॉड्स विद वायरलेस केस और इसके बाद हम बॉक्स में देख लेते हैं कि और क्या क्या है। इसमें आपको एक केबल मिलती है जो कि लाइटनिंग केबल है, आपके नॉर्मल आईफोन के साथ भी यही केबल आती है, ये मिलती है इसमें। उसके बाद देखते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सिमिलरली एयरपॉड्स 2 भी हैं मेरे पास। इसमें देखें इसकी ये जो लाइट है ये अंदर वाली साइड पे है जबकि इसकी लाइट बाहर वाली साइड पे है। तो ये मेन डिफरेंस है कि वायरलेस केस की निशानी है कि उसकी लाइट बाहर वाली साइड पे होती है। उसके बाद जो इसका मेन डिफरेंस है, आप इस एयरपॉड को वायरलेस चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं और ये तकरीबन नॉर्मली लाइटनिंग केबल से तो स्लो चार्ज होती है, लेकिन इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि आपकी एयरपॉड में किसी किस्म की शॉर्टेज ना आए और किसी किस्म का बिजली का झटका ना लगे। आते हैं हम इसके मेन फीचर्स पे, जो मेन डिफरेंस निकाला है इन्होंने एयरपॉड 1 की निस्बत। इसमें डबल टैप आप करेंगे अपने एयरपॉड्स को, एयरपॉड 1 में ऐसा था कि आप डबल टैप करते हैं तो सीरी एक्टिवेटेड होती थी, लेकिन जबकि इसमें आप सिर्फ हे सीरी बोलेंगे और सीरी एक्टिवेट हो जाएगी। प्राइस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बाहर के कंट्रीज़ में जो एयरपॉड 1 की प्राइस थी वही एयरपॉड 2 की भी प्राइस है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि सेकंड जनरेशन है, इसमें ऑडियो और वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एयरपॉड 1 से तो उसकी निस्बत इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप इसको कनेक्ट करते हुए इसकी स्पीड एयरपॉड 1 की निस्बत 2 times फास्टर है। यानी कि आप इसको बहुत तेज़ी से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि एयरपॉड 1 में जब आप कनेक्ट करते थे तो उसमें वो कुछ टाइम लेता था डिवाइस को सर्च करने में, लेकिन इसमें आप इसको डबल स्पीड से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसकी बैटरी लाइफ की तरफ। बैटरी लाइफ इसकी एयरपॉड्स 1 की निस्बत 40 times अबव है। यानी कि अगर आपका एयरपॉड 1 5 घंटे चलता था तो ये 7 घंटे हैं। हम इसकी स्टिक्स की तरफ, ईच स्टिक की जो चार्जिंग टाइमिंग है, अगर आप इस पे म्यूज़िक सुनते हैं, मीडिया यूज़ करते हैं, कोई गेमिंग करते हैं तो तकरीबन 5 से 6 घंटे चलेगी, और अगर आप नॉर्मल इस पे वॉइस कॉल्स वगैरह सुनते हैं तो ये 7 से 8 घंटे चलेगी। जबकि इसका ये जो केस है, ये केस इसका तकरीबन इसकी बैटरी टाइमिंग 24 से 36 घंटे है। यानी कि आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें तो ये केस आपकी स्टिक्स को काफ़ी दफ़ा चार्ज कर देगा। आपको एक दफ़ा आप इस केस को फुल कर लेते हैं तो ये केस तकरीबन आपके 2 से 3 दिन आराम से निकाल जाएगा और नॉर्मल यूसेज में इससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके चिपसेट की तरफ। तो एयरपॉड्स 1 में W1 का चिपसेट था जबकि एयरपॉड्स 2 में H1 का चिपसेट आया है। ब्लूटूथ वर्जन की तरफ आते हैं तो एयरपॉड्स 1 में 4.2 वर्जन की ब्लूटूथ थी जबकि एयरपॉड्स 2 में 5.0 वर्जन की ब्लूटूथ है। और 5.0 का मतलब है कि इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज एयरपॉड 1 अगर आप एक कमरे में या एक घर में यूज़ करते थे तो इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसकी निस्बत आप इसको ज़्यादा दूर तक यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस चार्ज करता है ये, वायरलेस चार्जिंग केस है इसके साथ,
वायरलेस चार्जिंग केस अगर आप सेपरेटली भी ख़रीद सकते हैं और वो एयरपॉड वन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि आपकी साउंड क्वालिटी और उसको तो ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकता, बस आपका केस वायरलेस हो जाएगा। बात करते हैं तो देखने में और साइज़ में एयरपॉड्स वन और एयरपॉड्स टू में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय के इसके ये लाइट बाहर है और एयरपॉड्स वन के और इसके बटन की में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका बटन नीचे है और इसका बटन थोड़ा सा मिड में है। उसकी लाइट अंदर है जबकि इसकी लाइट बाहर है। चलिए आइए मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट होती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका ये हेड खोलना है और उसके बाद इसके बैक पर जो बटन है आपको इसको होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है। आप प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन लाइट से वाइट लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप अपने फ़ोन को एक्टिवेट करें। तो ये देखें, ये सामने खुद ही आ गया, एक पॉपअप फीचर आ गया कि आप इसको कनेक्ट करें। जस्ट सिंपल हमें इसको कनेक्ट करना है और ये देखिए इसके साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पे इसकी आपको स्टिक्स की भी बैटरी शो होती रहेगी कि 100% स्टिक्स हैं, जबकि इसका केस सिर्फ 7% चार्ज है। तो यहाँ से आप इसकी बैटरी के बारे में नो हाउ कर सकते हैं। आप जस्ट इसको निकाल के अपने कान के साथ लगाएंगे तो ये खुद ही कनेक्ट हो जाएगी और कान से उतारेंगे तो ये खुद ही डिसकनेक्ट हो जाएगी। ये एक मैजिकल चीज़ है। जब ये नई नई आई थी तो मैं सोचता था कि यार इतनी महंगी हैंड्स फ्री कौन लेगा, इससे अच्छा हम 3,000 की या 5,000 की ब्लूटूथ ना ले लें, बहुत अच्छा काम देती है। लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी तो दुनिया ही बदल गई है और आपका इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होता। तो मेरी नज़र में एयरपॉड्स 2 आपको ज़रूर लेने चाहिए। अगर आप न्यू यूज़र हैं और अगर आप नई एयरपॉड्स लेना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप 1 ना लें, 2 ना लें, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जाएं, वायरलेस केस के साथ लें। अगर वायरलेस केस के साथ नहीं लेना चाहते तो आप एटलीस्ट एयरपॉड 2 लें सिंपल केस के साथ, ताकि आपको लेटेस्ट जनरेशन मिले। और अगर आप एयरपॉड्स 1 यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मतलब आप कहें कि जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, नहीं, बैटरी का थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ वॉइस क्वालिटी का डिफरेंस है, लेकिन कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कोई मेजर चेंज नहीं है। तो मेरी नज़र में अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको डायरेक्टली एयरपॉड्स 2 पे जाना चाहिए, लेकिन अगर आप एयरपॉड्स 1 ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको उस वक्त तक स्विच नहीं करना चाहिए जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, और अगर किसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।